तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके में सोल्यूशन में। यहाँ पे 13.1 का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक हमने इसका देख रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बस मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको देखना है। आपको पता है द्विविमीय यानी कि 2D और 3D यानी कि त्रिविमीय जो आकृति होता है वो कैसा होता है, ठीक है। अब हमने बताया था तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक वर्ग है और वर्ग जो है एक 2D है यानी कि द्विविमीय है। और वर्ग का ये तो आकार का प्रकार कैसा होगा, द्विविमीय ही होगा, लेकिन आकार का नाम क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, ठीक है। और अगर इधर देखें तो वर्ग यहाँ पे R हुआ, ठीक है ना, R में है और द्विविमीय है और A है। तो यहाँ पे पहला का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, पहला को अगर लिखेंगे A हो जाएगा, ठीक है, और R हो जाएगा, ठीक है ना। आकार में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर द्विविमीय है, ठीक है ना। आकार का प्रकार द्विविमीय है और आकार का नाम वर्ग था वो आर था, हमने देखा। अब दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए शंकु है कि नहीं, और ये त्रिविमीय है, तो त्रिविमीय है तो ये तो बी हो गई। लेकिन देखते हैं शंकु कहाँ पे, यहाँ पे बेलन और यहाँ पे गोलन है। और अगर हम लोग शंकु देखें तो शंकु हमारा यहाँ पे मिलता है 5 में, ठीक है ना। तो बी होगा और यहाँ पे बी होगा और इसका 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5। और यही इसका आंसर होगा। चौथा अगर हम तीसरा अगर देखें तो तीसरा में अगर देखिए हम लोग तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में ये हमारा बेलन है, ठीक है। बेलन है, काफ़ी आसान है इसलिए हम लोग इतना फास्ट में बता रहे हैं, ये बेलन है, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखेंगे, बेलन ये तो त्रिविमीय है, तीन चीज़ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका होगा ना, तो यहाँ पे तीन चीज़ है, ठीक है, तो त्रिविमीय होगा। तो देखिए यहाँ पे, और बेलन है तो बेलन देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पे ऑप्शन था बेलन पी, ठीक है, पी होगा, लेकिन यहाँ पे पी तो होगा ही, लेकिन ये तीसरा का पी होगा और यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले हमने ये देखा, ये तो भी था ना, भी है, ठीक है ना, 5 टाइप्स भी है। और यहाँ पे तीसरा बेलन देखेंगे तो बेलन हमारा ये ऑप्शन नंबर ये रहा, बेलन क्यू रहा, ठीक है ना। और ये भी त्रिविमीय है, तो देखिए आपका ऑप्शन में आंसर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बी होगा और आपका क्यू होगा, बेलन है, तो ये तो त्रिविमीय है। चूँकि देखिए जितना एक त्रिविमीय आकृति, एक वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, और 5 यहाँ पे ऑप्शन भी है, 5 त्रिविमीय भी ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे बार बार ऑप्शन जो आपका आंसर है उसमें बार बार बी ही दे रहा है, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से एक बार जब ये त्रिविमीय हो गया, ठीक है, ये तो शंकु में हो गया था, तो अब बेलन के लिए हम लोग इस त्रिविमीय का अगर यूज करेंगे तो सी होना चाहिए था वैसे, लेकिन आपका जो आंसर देता है वो इसी प्रकार से ही दे रहा है ना, बी होगा और क्यू होगा, त्रिविमीय मतलब एक ही ऑप्शन बार बार ले रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अगर सी और क्यू लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी भी तो त्रिविमीय ही है ना। और जो हमारा बेलन है, बेलन हमारा ऑप्शन नंबर क्यू में था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू लिखे हैं। और अब हम लोग तीसरा हो गया, अब हम लोग चौथा देखेंगे। तो चौथा में देखिए, चौथा में हमारा त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज यहाँ पे देखिए ये डब्लू को दर्शाता है, डब्लू नंबर में जो है वो त्रिभुज है, आकार का जो नाम है वो त्रिभुज है, और ये प्रकार की है द्विविमीय है। तो द्विविमीय हम लोग यहाँ पे इसका भी नाम ले सकते हैं डी, लेकिन बार बार वहाँ पे ए ही लिखा हुआ, पहले वाला ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चौथा तो ए हो जाएगा द्विविमीय, और हमारा ये त्रिभुज का जो नाम है वो डब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये होगा आपका आंसर। और पाँचवा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग यहाँ पे द्विविमीय था डी लिखते, डी और डब्लू लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा और डब्लू हो जाएगा। पाँचवा अगर देखेंगे तो पाँचवा में ये हमारा घन है, सभी सरफेस इक्वल है, घन है, तो देखते हैं घन हमारा यू है, ठीक है। यू में हमारा देखेंगे तो घन यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो जब यू को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा त्रिविमीय है, तो त्रिविमीय जो ऑप्शन हमने देखा ये बी, तो बार बार यही बी ही ऑप्शन में आपका जो आंसर है उसके अनुसार यही है। बट हम लोग हमेशा अगर आगे बढ़ते रहेंगे, उस बार डी लिए थे तो इस बार हम लोग यहाँ पे ई लेते, ऐसे होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग हम भी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो बी तो होगा ही, त्रिविमीय है तो, और यहाँ पे हमारा एक घन है तो घन यू है तो यू हो बी हो, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। तो ठीक है, ये हो गया पाँचवा। अगर हम लोग छठा देखें तो छठा में क्या होगा, 6 में ये देखिए ब्रीथ है, सिंपल ब्रीथ है, ब्रीथ अब यहाँ पे ब्रीथ एस में लिखा हुआ है, ब्रीथ
द्विविमीय है, तो ए हो जाएगा, ए द्विविमीय था और हमारा वृत्त किस में है, एस में है, तो एस हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ये सेवन नंबर देखें, सिक्स सेवन अगर देखें, तो सेवन नंबर ये हमारा देख रहे हैं ना, ये घनाभ है, तो घनाभ है और ये त्रिविमीय है, तो बी हो जाएगा त्रिविमीय, और बी ऑप्शन में था ना, बी में देखिए त्रिविमीय है ना, और यहाँ पे घनाभ की बात बोल रहा है, घनाभ हो जाएगा टी, ये आपका आंसर होगा। और लास्ट अगर हम लोग आठवां देखें, तो आठवां देखिए ये जो हमारा है ना वो वृत्त नहीं है, बल्कि ये देखिए बीच में ऐसे दिया हुआ, मतलब ये गोला है, तो गोला हमारा कहाँ था, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पहला में था, पी में था, और ये त्रिविमीय है, तो यही बी पी हो जाएगा, बी और पी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बस ये शॉर्टकट ही है, बस कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ पहचानना है, ठीक है ना, इसका मिलान करना है ना, बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को मिलान करना, तो इस अनुसार होगा। और अगर हम लोग दूसरा देखें, तो नीचे दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान करना, हमने ये बताया था, हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको बनाना है, काफ़ी इजी है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे देखेंगे, अगर ऊपर का दृश्य हुआ ये पार्श्व का, ये सामने का, अब इसमें देखना कौन ऊपर का कौन पार्श्व कौन सामने का है, तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये देखिए एक दो तीन ऊपर, मतलब एक दो और यहाँ पे दो दो सामने, ऊपर में देख रहे एक दो और तीन फलक, इस प्रकार इस प्रकार, तो इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, तो ये फलक है ना ऊपर वाले, तो ये हो गया ऊपर वाले, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर वाले, आप जो कॉपी होगा जब सोल्व करेंगे वहाँ पे लिख देंगे पहला ऊपर वाले होगा, और ये हमारा पार्श्व हो सकता है, या फिर हम लोग इसको पहले सामने लिखेंगे और ये पार्श्व लिखेंगे, ठीक है ना, वैसे इसमें पार्श्व इसको भी लिख सकते हैं, वैसे दोनों सेम ही है, ठीक है ना, तो पहले वैसे हम लोग सामने लिखेंगे फिर पार्श्व लिखेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें आ जाए तो इसमें देखिए सामने एक दो और एक तीन फलक, एकदम ऐसे तीन फलक हमको दिखेगा, तीन फलक ये रहा, तो ये हमारा सामने होगा, ठीक है, दूसरा सामने होगा और ऊपर में ये तीन फलक, फिर एक इधर इस प्रकार से मुड़ा हो, तीन फलक एक इधर इस प्रकार से मुड़ा हो, ये ऊपर का होगा, ठीक है। और पार्श्व अगर हम देखें तो एक फलक ये एक फलक ये, सिर्फ दो ही फलक दिखेगा अपने को, जब ऐसे देखेंगे पार्श्व तो, ठीक है, तो ये दो फलक पार्श्व होगा, ठीक है ना। अब अगर ऊपर में इसको देखेंगे तो एक दो तीन फलक ऐसे ही सपाट ऐसे दिखेगा जैसे ये है, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का हो गया। और अगर हम लोग इस प्रकार से सामने देखें तो एक दो तीन और एक ऐसे ऊपर में भी एक फलक है इस प्रकार से L, ठीक है ना, इस प्रकार से L, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये सामने होगा और पार्श्व ये सिर्फ दो फलक, तो ये पार्श्व होगा, तो काफ़ी इजी है, इसको लिखना है बस। अब अगर तीसरा हम लोग देखें, तीसरा बोले दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिया गया है, ठीक है, प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर किससे दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान कीजिए, इनमें से एक आपके लिए किया गया है, एक हमारा देखिए ए नंबर जो है ना, ए नंबर का तीसरा और चौथा है, तो ए इसका देखिए, इसका सामने और पार्श्व, हाँ सामने सामने का दृश्य दो दृश्य दिया हुआ, प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के दृश्य और सामने का दृश्य, सामने का दृश्य और ऊपर का दृश्य, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ए का हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन, यानी ए का देखिए इसका सामने आपको कौन सा होगा, देखिए तो आप देखकर बता सकते हैं, ये होगा सामने का दृश्य इसका, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। और इसका ऊपर का दृश्य अगर हम लोग देखें तो इसका ये रहा ऊपर में, इस मतलब ठिप्पी देख रहे हैं, ये हमारा ये वाला भाग है, ये वाला भाग ऊपर ठिप्पी इस प्रकार से, तो ये तीसरा और चौथा पहले दिया, उसी प्रकार से हम लोग को अन्य बनाना होगा, तो यहाँ पे बी है, तो बी है ना, तो इसका जो आपका होगा बी ऊपर में 5 kg, तो ऊपर का इसका दृश्य हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर का दृश्य यहाँ पे देखिए साफा 5 kg लिखा हुआ है, ये तो ऊपर का दृश्य होगा ही, ठीक है, ये ऊपर का दृश्य होगा पचमा, और ये हमारा हो जाएगा सामने का दृश्य, इसको एक दो तीन फलक, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये सामने का पहला और पचमा हो जाएगा इसका आंसर, जैसे ये लिखा हुआ है पहले के नंबर को उसी प्रकार से बनाना है। अब दूसरा अगर हम देखें, ये सी का अगर देखें तो ये हमारा देखिए सामने का दृश्य, ऐसा आपको आकृति देखना, ये दे रहा है आपका, है ना, तो ये हो जाएगा चौथा सामने का आकृति, और ऊपर का आकृति देखें तो इस प्रकार से, ये देखिए गोल है ना, ये हमारा रस्सी दिख रहा है इधर इस प्रकार से, और ये एक्चुअली ये साफा नहीं पता चल रहा है ये वाला आकृति, बट यही होगा इसका, तो ये दूसरा हो गया, यानी दूसरा होगा और चौथा होगा इसका, ठीक है, ये वाला और ये वाला, अगर इसको हम देखें अगर तो सामने तो काफ़ी नज़र आएगा ना, तो ये हमारा सामने का हुआ यानी कि पचमा होगा, यानी डी का पचमा होगा, और ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक है, ये कप और इस प्रकार से ये अंदर का जो भाग है ना इसका, ये नीचे वाला ये वाला है, ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो गया और ये होगा पचमा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखें, ये चपटा सा बोतल है ना, एक डिब्बा, तो इसमें अगर क्या है ना, कप और प्लेट ये था, ये एक डिब्बा है, तो इसमें ये तो आसानी से बता सकते हैं कि ये रहा हमारा सामने का भाग, ठीक है, और ऊपर का दृश्य अगर देखेंगे
तो हमारा ऊपर का दृश्य ये रहा, चूंकि ये देखिए चौड़ा है ना, तो चौड़ा इस प्रकार से और बीच में इस प्रकार से जो ठिप्पी ढप्पन है वो है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, तो ये हो जाएगा पहला और इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ई का पहला और दूसरा, तो आप आंसर देख सकते हैं ई का पहला और दूसरा या दूसरा पहला, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा था और अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए चौथा नंबर कुछ भी नहीं है वैसे, ठीक है, वैसे सब कुछ पता है आप सभी को, मैंने बताया पहले ही। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए तीन दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान सिर्फ करना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आकृति है, ऊपर इस प्रकार से मछली पा रहा है, तो ऊपर का दृश्य हम लोग नहीं बता सकते कि ये ऊपर का दृश्य हुआ, तो तीसरा ऊपर का दृश्य होगा। और ये हमारा इस प्रकार से जो आकृति देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से जो चिन्ह है इस प्रकार से इधर है, सामने का है, तो ये सामने का होगा। और ये रंगा हुआ है जहाँ पे हम लोग माचिस से है ये एक्चुअली, ठीक है। तो ये पार्श्व में इस प्रकार से, ये पार्श्व हो गया है, वैसे देखे पहचाना है। अब इसको देखे, अगर ये टीवी है ना, तो ऊपर में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर देखे सामने, अगर इस प्रकार से सामने ये पार्श्व हुआ, इधर पार्श्व है, उसी प्रकार से इधर भी दिख रहा है, तो इधर ये दिख रहा है। अब इस प्रकार से आकृति ये रहा, ठीक है ना, तो ये पार्श्व होगा, ये तो हम लोग साफ बता सकते हैं, ठीक है। सामने शीशा उसा लगा हुआ, ये सामने का दृश्य, ये सामने हो जाएगा। बाकी जो बचा ये हमारा ऊपर का, ऊपर में इस प्रकार से तो इतना ही चौड़ा होगा ना ऊपर, और बाकी ये पीछे वाला सीन है, ठीक है, पीछे वाला सीन है। तो ये हमारा हो गया, तो ये आसानी से लिखना है, बस ऐसे लिखना है बस, ठीक है। और अब अगर हम लोग पाँचवा देखें, तो देखिए काफ़ी ईजी है पाँचवा। पाँचवा नंबर में आपको क्या करना है, इसी फिगर पारना है, इसमें क्या ना, इसमें देखिए बोल रहा है कि दिए वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए, बस आपको खींचना है। तो आपको खींचना है तो क्या, देखिए सामने का दृश्य अगर हम लोग खींचेंगे ना, तो सामने का जो दृश्य है वो इस प्रकार से होगा। सामने का दृश्य इसका पहला, हम लोग जो पहला देख रहे हैं इसको हम लोग बात कर रहे हैं, तो सामने इस प्रकार से नजर आएगा आपका, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया सामने का दृश्य। अब अगर हम लोग पार्श्व देखें, तो पार्श्व जो आएगा वो तो कुछ इस प्रकार से होगा ना, देख रहे इस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से हमारा कलर किया हुआ रहेगा, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। आप अपने ढंग से इसको ऐसे कर लीजिए जैसे ये कलर टाइप से, ठीक है। अभी पेंसिल होता तो हम लोग कर लेते उस प्रकार से, ठीक है। ये पार्श्व हो गया। और ऊपर में ना, ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला सिर्फ लाइन पता चलेगा, ये ऊपर जो है ना, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये सिर्फ लाइन इस प्रकार से लकीर दिखेगा, ठीक है। तो ये ऊपर का दृश्य हुआ, ये इस प्रकार से लकीर दिखेगा सिर्फ, ये ऊपर का दृश्य हुआ, ठीक है। तो ये पहला नंबर था। देखें बी वाले जो फिगर है, तो ये एक मेज टाइप से है, तो इसको अगर हम लोग पारना चाहे तो इसका इसका सामने का अगर हम लोग दृश्य देखें, तो सामने का कुछ नहीं है, यहाँ पे सामने अगर देखें इसका, तो इस प्रकार से एक बड़ा सा ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर उससे छोटा इस प्रकार से खींचेंगे, और जिस प्रकार से जो गोड़ी होता है मेज का, इस प्रकार से जो पैर होता है इस प्रकार से पार देंगे, और इधर भी इसका, ठीक है, इस प्रकार से पार देंगे। और ये सामने का जैसे हमने एग्जैक्ट पारा, उसी प्रकार से हमने पार्श्व भी होगा, ठीक है, पार्श्व भी इसी प्रकार से होगा, बस इससे छोटा ही तो, देखिए पार्श्व इससे छोटा ही तो होगा, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। तो पार्श्व आप लोग पार लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से इससे छोटा से पार लेना है, सेम तो सेम ही तो दिखेगा। ऊपर पारना है ना, तो ऊपर पारना है तो ऊपर के लिए हो जाएगा इस प्रकार से, हमारा मतलब आयत होता है जिस प्रकार से होगा, ये तो सरफेस है ही, ऐसा ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर का। तो बस इसके बाद हमारा आता है बाट, ठीक है, उसके बाद हमारा ये आता है। तो इसका ऊपर अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले सामने अगर देखें, तो सामने तो कुछ भी नहीं है, सामने का वैसे सिर्फ ऐसे इस प्रकार से पार लेना है, ऐसे चरखुटी तो रहता है, तो ये सामने का हो गया। और पार्श्व भी इसी प्रकार से एग्जैक्ट पारना है, वैसे इससे छोटा से छोटा देखेंगे, पार्श्व इस प्रकार से दिखेगा, तो इस प्रकार से, वरना सेम ही दोनों रहेगा, जैसे ये वाला जैसा है वैसा वैसा, ये भी है ये भी है, सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा। और ऊपर अगर हम लोग पारेंगे, तो ऊपर में देखिए इस प्रकार से हमारा, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक दो तीन और ये चार पाँच और ये छः, तो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से होगा, और अंदर भी इसी प्रकार से होगा, एक दो तीन चार ये पाँच और ये छः, मतलब ये बीच में अच्छे से नहीं पढ़ाया, लेकिन ये इस प्रकार से, ठीक है, बीच में देख लीजिएगा आप लोग, मतलब बीच में इस प्रकार से जो ये है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से पार लीजिएगा। तो ये ऊपर का भाग होता है, मतलब जो गोल ऐसे है ना, ये चरखूट टाइप से हमको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से हमको दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब ऐसे देख लेते हैं एक बार, और ट्राई करते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ठीक है,
फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से। ये हमारा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो बीच में इस प्रकार से आपको दिखेगा। वैसे ये होगा ऊपर का दृश्य, ठीक है। अब अगर डी में अगर हम लोग देखें फिगर, तो ये काफ़ी इजी है, ये तो काफ़ी इजी है। ये सामने हमको जो दिख रहा है ना, सामने तो अभी हमने जिस प्रकार से बाट का पारा बटकारा का, उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से 2, 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, इस प्रकार से, ठीक है। और ऊपर ये तो हो गया सामने का दृश्य, ऊपर का दृश्य तो भी और इजी है, वो भी जैसे देखिए इस प्रकार से, तो वो है ही चौड़ा, आपको भी दिख भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से ये फलक, ये भी फलक इस प्रकार से दिखेगा, तो इस प्रकार से हम लोग इसको खींचेंगे और इस प्रकार से इसको मिला देंगे, ठीक है। मतलब अच्छे से, मतलब इधर से ये जाता और ये इस प्रकार से, तो ये हो गया। और अगर हम लोग पार्श्व में देखें तो बस एक ही ऐसे आयत के आकार का ही दिखेगा, ये सामने दिख रहा है जो, इसी प्रकार से, इस प्रकार से होगा। तो बस कुछ भी नहीं है, वैसे ऐसे पारना है आपको। उम्मीद करते हैं अब वैसे इस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो वैसे है तो बुक में है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो वीडियो के पेंट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।